बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बनाने लगे हैं हैदराबादी मटन तहरी। तो इसके लिए जो जो चीजें जरूरत पड़ेंगी वो ये है, हम आपको दिखाते हैं। मटन तहरी के लिए हमने मटन का गोश्त 2 किलो से ज़्यादा लिया है, और ये सिर्फ गोश्त नहीं है उसके साथ, यानी ये हड्डी वाला गोश्त है, बोनलेस नहीं लेना है, हड्डी वाला गोश्त लेना है। उससे बहुत ही अच्छी और जायकेदार तारी बनेगी। इसमें हमने चावल लिए हैं 4 कप, इनको पहले हमने 2 घंटे के लिए भगो दिया है, और इसके साथ ये मसर की दाल, सुर्ख दाल इसको बोलते हैं, ये भी चाहिए, ये 1/2 कप चाहिए, और ये दही चाहिए, इसके साथ गरम मसाला, ये दालचीनी, काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, और ये पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन, नींबू, और ये प्याज चाहिए, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, हल्दी, सुरख मिर्च, और ये चाहिए नमक। और अब हम इस मसाले को काट लेते हैं और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगला प्रोसेस। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच तेल के डाले रहे, इसको गरम कर लेंगे। इस बर्तन में हमने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल कर थोड़ा गरम कर लिया, और इसके बाद डालेंगे ये जो गरम मसाले हमने रखे थे वो डाल देंगे। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। वो लाल हो गया, अभी इसमें हम गोश्त डाल के इसको फ्राई करेंगे। दो चम्मच सुर्ख मिर्च डालनी है इसमें, और इसमें आप डालेंगे हल्दी 3 चम्मच, दो डालेंगे, नमक हस्बे जायका डाल लीजिए, ये बस गोश्त का है, मसाले का नमक, चावल का ला, चावल के लिए बाद में डालेंगे। अभी हम इसको बंद करेंगे, बंद कर दो, सीटी लगाना है, बोलो पेपर ढक्कन लगाना है, ऊपर का इधर ले आओ, ऊपर कैसे लगाते हैं इस कुकर का, प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, ऊपर उठा उठा, नहीं नहीं नहीं, इसको खोल, अभी बैठ करो, फिट करो। अब कितने मिनट इसमें पकाएंगे प्रेशर कुकर में? 15 मिनट के लिए हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे, और उसके बाद इसमें चावल डालेंगे। प्रेशर कुकर से हमने गोश्त निकाल कर उसको तेल में डाल लिया है, और अब इसको थोड़ा सा भून लिया है। इसके बाद हम चावल के साथ में इसमें पानी ऐड करने लगे हैं, 4 कप चावल थे, और इसमें अब मजीद 5 कप पानी डालेंगे, पहले भी पानी मौजूद है तकरीबन 1 कप, तो 4 डाल दो 4.5 डाल दो।
अब बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे, जब इसको बॉयल आ जाएगा तो इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करेंगे, नींबू का पानी ऐड करेंगे इसमें, जो जूस निकाल लिया था लेमन का इसमें ऐड कर देंगे। अब हम गस्तीन लगा देंगे और थोड़ा सा उसमें सुराख छोड़ेंगे क्योंकि हवा निकलती रहे इसे, और ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और कितने मिनट के लिए दम पे रखेंगे? 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और इसके बाद देखेंगे। लाहौरी है जी। हूँ फिर